चुका मोहन मैं जब से
कल आप लोगों ने सुना कि रुक्मण जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे अनेक, लेकिन एक प्रश्न ये भी था कि राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्, क्योंकि रुक्मण जी ने स्वयं भागवत में कहा कि माम राक्षसेन विदरोह वह वीर शुल्का। जब पत्रिका लिखी थी श्री रुक्मण जी ने, तो उस पत्रिका में संकेत किया है जो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या भगवान का राक्षस विधि से पाणिग्रहण हुआ था, क्योंकि आठ प्रकार की शादियां शास्त्र में बताई हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आर्ष विवाह। आठ विवाहों में ये चार जो विवाह बताए हैं शास्त्र में, ये उत्तम कोटि के हैं। ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य। पांचवा विवाह है गांधर्व। ये गांधर्व विवाह न अधम कोटि का, न उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का बताया। छठा है राक्षस विधि, सातवां है आसुर विधि और आठवां है पैशाच विधि। ये आठ प्रकार की शादी, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, ये उत्तम कोटि की विधियां हैं शादी की।
गंधर्व विवाह मध्यम कोटि का बताया है, लेकिन राक्षस, असुर और तीसरा पैशाच, ये निम्न कोटि का, और उसमें भी पैशाच व्यक्ति को तो अत्यंत निम्न कोटि का कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उस पैशाच विधि में कन्या का मनोरथ न होने पर भी कुटुंब का, परिवार का बध करके, उनकी हिंसा करके हरण करना। तो विस्तार बहुत है इस पर। लेकिन परीक्षित महाराज से जब परीक्षित ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे भगवान कृष्ण के संबंध में बताइए, क्या भगवान का रुक्मण जी के साथ क्या राक्षस विधि से पाणिग्रहण हुआ था? राक्षसेन विधानेन उपायेन इति श्रुतम, जिसमें कन्या का मनोरथ होता है लेकिन परिवार की स्वीकृति नहीं होती, तो क्या ऐसा? लेकिन सुखदेव जी महाराज इसको एक लाइन में भी समझा सकते थे, परंतु सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित के मन में कहीं शंका न रह जाए, इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने संपूर्ण रुक्मणी मंगल सुनाया, और रुक्मणी मंगल सुना करके ये बताया कि वास्तव में भगवान का पाणिग्रहण भले भगवान ने हरण किया रुक्मण जी के उस पत्र के द्वारा, लेकिन रुक्मण जी और भगवान श्री कृष्ण का राक्षस विधि से विवाह नहीं हुआ, भगवान का वैदिक विधि से ही विवाह हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। कामास्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमे प्रत्यपद्यत। कहते हैं कि रुक्मण जी के प्रथम पुत्र हुए थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न महाराज जो कि काम का अवतार है, रति के पति है, कामदेव की पत्नी है रति। भगवान शिव ने जब जलाकर के कामदेव को भस्म किया था तो पत्नी रति ने प्रार्थना की कि आप मेरे पति को मुझे प्रदान करें, तो भगवान शिव बोले थे कि आपके पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के द्वापर में पैदा होंगे, यदुवंश में जब भगवान का अवतार होगा। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी संकेत किया है। तो ये रुक्मण जी के पुत्र ही थे, लेकिन समरासुर नाम का असुर इनको उठाकर के ले गया था, कथा ये है। और जिसने सागर में फेंक दिया, उस असुर को ये मालूम था कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरा प्राणांत होगा, तो इन्होंने कहा कि क्यों न मैं इनके पुत्र को ही मार डालूं, पर जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांको कर सके जो जग मेरी। तो फेंका समुद्र में तो एक मछली निकल गई, मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने मछली के लिए पकड़ा, और देखो उस मछली को समरासुर के रसोई घर में ही भेज दिया, क्योंकि असुर हैं तो मांस भक्षण होता था, भगवान का तो भोग लगता ही नहीं था। अब जिस घर में मांस पकता हो वहां भगवान को भोग कैसे लगेगा, आप सोचिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए तो हमारे यहां बताया है कि भगवान को भोग लगाओ, जिससे गंदी चीज बुरी चीज घर में ना आए। हमारे घर का रसोई से लेकर कमरा तक, कमरा से लेकर के पूरा परिवार, पूरा घर का वातावरण शुद्ध रहे।
कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें से निकले प्रद्युम्न महाराज रति उस पाकशाला की अध्यक्षा थी, अपने पति को पहचान गई और नारद जी ने भी संकेत किया करके कि तुम्हारे पति कामदेव ही हैं। 12 वर्ष तक बालक पति का पालन किया और 12 वर्ष के आयु में उस समरासुर का संहार करके लौटे थे द्वारिका। ये तो कथा है, लेकिन वास्तविकता में इस कथा का एक रहस्य है बंधु। ये जो हमारा अंतःकरण है, जो कि 4 से बना है, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, इन 4 के बिलक बिलक अलग अलग देव हैं। तो हमारे चित्त के जो देव हैं अधिष्ठाता, वो है वासुदेव श्री कृष्ण। तो इस कथा को सुनाकर के मानव सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि कब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी, जब तक कि हम इस चित्त में उस चित्त चोर का ध्यान नहीं करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान, क्योंकि इस चित्त का देवता ही चित्त चोर कृष्ण है, वासुदेव है। एक यादव थे द्वारिका में, जिनका नाम था सत्राजित, जो कि सत्यभामा जी के पिता भी हैं। लेकिन इन्होंने भगवान का एक बार दर्शन किया द्वारिकाधीश का, तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई थी। तो भगवान की उस मणि को देख करके इनके मन में ईर्ष्या हो गई सत्राजित की, कि इतना वैभव, इतनी कीमती मणि इन्होंने धारण की हुई है। तो भगवान को देख करके, भगवान के समकक्ष मेरा भी वैभव हो, तो इन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। तो भगवान सूर्य देव प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने इनको एक मणि दी जिसका नाम था समंतक मणि। ये समंतक मणि प्रतिदिन 160 तोले सोना उगला करती थी। 8 भार जब एक बार उस मणि को पहन करके सत्राजित महाराज उस सभा में गए, तो भगवान कृष्ण बोले कि देखो सत्राजित, आपके पास ये बहुत बहुमूल्य वस्तु है, आप ऐसा करिए कि इस मणि को आप उग्रसेन जी को दे दीजिए, क्योंकि आपकी तो एक ही बेटी है और तो आगे आपका कोई है नहीं, तो ये संपत्ति इतना आपके पास है, आप क्या करेंगे, इसको सेवा में लगाइए, कितना खाएंगे, कितना बरतेंगे, ये राष्ट्र की सेवा में लगे। तो इनको लगा के लगता है इस मणि को लेने की इच्छा भी कृष्ण की है। देना नहीं चाहते थे उस मणि को, लेकर वापस अपने राजमहल में चले गए। एक दिन उसी ही मणि को पहनकर सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेन, जो शिकार खेलने के लिए गए, एक सिंह ने उस प्रसेन का वध किया और प्रसेन की मणि उस शेर के पंजे में फंस गई। जब आगे बढ़ा तो जामवंत महाराज की गुफा थी, जामवंत महाराज ने उस शेर के पंजे में उस प्रकाशमान वस्तु को जब देखा तो आगे गए, युद्ध हुआ, शेर को मारा और मणि प्राप्त कर ली। इनकी बेटी है जामवती, क्योंकि वही जामवंत हैं जो भगवान राम के समय थे। अपनी बेटी मणि, अपनी बेटी को मणि खेलने को दे दी। जब रात्रि में नहीं लौटे तो अपने भाई प्रसेन को देखने के लिए जंगल में गए, तो क्या देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है,
लेकिन वहां पर सब कुछ होने के बाद केवल मणि नहीं है। तो शंका मन में जल्दी होती है हमारे, इसलिए भगवान ने कहा गीता में कि संशय आत्मा विनश्यति। कभी कभी बहुत नजदीक के संबंधों में भी मन में शंका हो जाती है, यदि कोई हमारा नजदीक का संबंध हो तो जल्दी से जल्दी शंका को मिटा देना चाहिए। जितना देर होगी उतना शंका गहरी होती है, गहरी होती है। तो संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा शंका को मिटाने का हमको प्रयास करना चाहिए, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। कहीं भी यदि मन में किसी के प्रति हमारे शंका आ गई हो तो उसको मिटाना जरूर चाहिए। क्योंकि जितने दिन शंका बनी रहती है उतना गहरी होती है और शंकालु व्यक्ति की आत्मा नष्ट होती है। संशय आत्मा विनश्यति। कभी पति पत्नी के बीच में शंका हो जाती है, कभी पिता पुत्र के बीच में हो जाती है, कभी पुत्री माता पिता के बीच में हो जाती है, कभी भाई भाई के बीच में होती है। तो जल्दी से शंका मिटानी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने जब सुना और भगवान गए, क्योंकि भगवान उस शंका को मिटाना चाहते थे। भगवान को मालूम हो गया कि मुझे आज झूठा कलंक लग रहा है क्योंकि मैंने भी भादो सुधी चौथ का चंद्रमा देखा है। तो जहां पर प्रसिद्ध मरे पड़े थे वहां कृष्ण गए, प्रभु ने बहुत ध्यान पूर्वक जांच की तो वहां मणि नहीं मिली, लेकिन शेर के पंजे के निशान थे। उनके पीछे पीछे कृष्ण जब आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा हुआ था। भगवान ने जामवंत जी की गुफा देखी और उस गुफा के द्वार पर अपनी उपमाता के साथ छोटी सी बालिका वो जामवती खेल रही थी उस मणि से। जब भगवान उस मणि को देख करके लेने के लिए आगे बढ़े तो धात्री चक्रोश बीतवत एकदम गोद में लेकर के जामवती को वो धात्री मने उपमाता दौड़ी चीखती हुई अंदर गई। अंदर बैठे थे महाराज जामवंत जी। जामवंत को लगा कि हमारे गुफा में कौन आ गया, तो एकदम जामवंत महाराज निकले आए और भगवान से युद्ध हुआ 28 दिन तक। मार मार करके भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। पहचान गए जामवंत महाराज कि ये तो मेरे प्रभु राम हैं, आज कृष्ण अवतार से इनका कृष्ण अवतार में मुझे दर्शन मिला है। भगवान से क्षमा मांगी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके देखो जो बेटी हैं जिनका नाम है जाम्बवती, उनका विवाह भगवान के साथ किया और दहेज में मणि रख दी। भगवान मणि को लेकर के सत्राजितम समाहूय सभायाम राज सन्निधो भगवान आए और भगवान ने उस मणि को दिखाते हुए सबको आद्योपांत वृत्तांत भी सुनाया। अपने कलंक का मार्जन प्रभु ने किया। तो सत्राजित बैठे थे सभा में, सत्राजित महाराज ने जब देखा और सुना भी कि वास्तव में मैंने द्वारकाधीश को झूठा कलंक लगाया है, तो भगवान से कोई मधुर संबंध में जोड़ूं तो इनकी जो बेटी है सत्यभामा जो राधा रानी के अंशभूता है, तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया। क्योंकि ये अपनी बेटी की शादी सद्धन्वा के साथ करना चाहते थे। अब सद्धन्वा को जब मालूम चला कि शादी तो हमारे साथ होनी थी लेकिन कर दी द्वारिकाधीश के साथ, और कुछ मित्रों का भी उसको कान भरना हो गया प्रेम से क्रोध श्री राधे, जिसमें अक्रूर जी भी थे, तो घटना ये घटी। देखो भगवान को दो बार कलंक लगा है,
बाहर का कोई व्यक्ति कलंक लगाए तो उससे व्यक्ति छूट जाता है, लेकिन घर में ही हो जाए तो गड़बड़ ज्यादा होती है। सद्भावनाएं ही सत्यभामा जी के पिता सत्राजीत का वध कर दिया इसी गुस्से में, इसी कारण से। तो अपने पिता के शरीर को तेल के द्रोण में रख करके, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जी मिथिला गए हुए थे, मिथिला के समीप वहां भी जब पता चला भगवान को तो बड़ा कष्ट हुआ। भगवान उसी समय सद्भावना के पीछे भागे, बलराम जी भी साथ थे, रथ में दौड़ा। भगवान को देख करके रथ को क्षत निक्षित हो गया। जब पैदल भागने लगे तो भगवान भी रथ से नीचे उतर करके कृष्ण दौड़े। बलराम जी थोड़ा पीछे रह गए थे, भगवान ने संहार किया, लेकिन जब उसके वस्त्र देखे तो कहीं भी मणि नहीं मिली, क्योंकि वो मणि सद्भावना ने अक्रूर जी को दे दी थी डर करके, भय से। तो भगवान आए और आकर के अपने बड़े भैया बलराम जी से बोले कि दादा, सद्भावना तो मर गया लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली है, मणि प्राप्त नहीं हुई। तो बलराम जी के मन में थोड़ा शंका हो गई कि लगता है ये अपनी पत्नी को जाकर के देगा और मेरे से झूठ बोल रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे, देखो कैसी अद्भुत लीला प्रभु करके हमको बता रहे हैं कि परिवार में ऐसा होता है। ये जाकर के सत्यभामा को देगा, तो थोड़ा अनमने मन से बलराम जी महाराज कन्हैया से बोले कि लाला, मैं तो मिथिला तक आए हैं तो मैं मिथिला में जा रहा हूं। बोले भैया, तो मैं भी द्वारिका की ओर चलूं, क्योंकि भगवान को ये बात समझ आ गई थी कि मेरे बड़े भैया के मन में भी थोड़ा शंका हो गई है कि मणि इनके ही पास है। भगवान ने मालूम किया और अक्रूर जी के पास प्रभु ने खबर भिजवाई। अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि देखो अक्रूर जी, आपके पास वो मणि है मुझे मालूम है, लेकिन हमको वो मणि चाहिए नहीं आपसे, पर एक बार उस मणि को आप सभा में दिखा दीजिए जिससे हमारे ग्रह का क्लेश शांत हो जाए, मेरे प्रति शंका मिट जाए। तो अक्रूर जी ने भगवान के कहने पर उस मणि को दिखाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ है श्री कलिंद जी के साथ। कि अहम् देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। पंचम विवाह भगवान का विंद और अनविंद नाम के दो भाई राजा थे, इनकी बहन थी मित्र विंदा। षष्ठ विवाह भगवान का सत्या जी के साथ हुआ और भद्रा के साथ सातवां विवाह हुआ और अष्टम विवाह भगवान का श्री लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ है। ये भगवान की जो आठ पट रानियां हैं भैया, क्योंकि भगवान ने भौमासुर को मार करके, जिस भौमासुर ने मां अदिति का कुंडल और देवताओं की विहार स्थली मणि पर्वत और वरुण जी का छत्र जो कि प्राप्त कर रखा था, ये देवताओं का सम्मान था। तो देवताओं ने भगवान के पास खबर भेजी थी, तो भगवान गए थे और भगवान ने जाकर के उस भौमासुर को मारा। उनके मंत्री थे मुर नाम का दैत्य, तो भगवान ने पहले उनको मारा, फिर भौमासुर का भी संहार किया। तो देखो भगवान के एक नाम की जो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, उसमें एक नाम और जुड़ गया, मुर नाम के दैत्य को मारने से मुरारी भी हो गए। बोलो मुरारी भगवान की, भगवान मुरारी हो गए।
परीक्षित। इस प्रकार से भगवान ने भौमासुर को मार करके 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया और सबके साथ एक मुहूर्त में उनके निवेदन पर पाणि ग्रहण किया। ये 16,100 ही वेदों की ऋचाएं हैं और 100 उपनिषद हैं बंधु, और 8 जो भगवान की पटरानियां हैं कि वो मीरा ओ नरो वायु खलमनो बुद्धिरे वच अहंकार इतियम मे भिन्ना प्रकृतिरश्रद्धा। भगवान गीता जी में बोले हैं कि यह अश्रद्धा प्रकृति है, ये पंच महाभूत हैं मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से भगवान ने 16,000 राजकन्याओं को प्राप्त किया। सुखदेव जी बोले हैं कि राजन भगवान के एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी हुई है, प्रेम से कहो श्री राम। ये विशाल वंश था भगवान का। भगवान के वंश में 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, श्री प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का विवाह हुआ है उषा जी के साथ जो वर्णासुर की बेटी है, और दूसरा विवाह रुक्मणी जी के सबसे बड़े भाई थे जिनका नाम था रुक्मी, और इनकी पौत्री थी जिनका नाम था रोचना, तो रोचना जी के साथ संपन्न हुआ है। लेकिन इस शादी में बड़ा अद्भुत एक दृश्य, एक कांड भी हो गया। शुभदेव जी यहां उसका भी वर्णन किए कि बलराम जी और दुर्योधन जब चौपड़ खेलने के लिए बैठे थे, जीते बलराम जी थे, आकाशवाणी भी हुई थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं। दुर्योधन अपमान किया बलराम जी महाराज का, तो बलराम जी ने अपना हर उठाया और कहा कि आज सारी हस्तनापुरी को ही मैं डुबो दूंगा। हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बलराम जी ने रुक्मी के लिए गले में हल फंसाया और मुसल मारा और गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री बलराम जी महाराज की। लेकिन भगवान यहां कुछ बोले नहीं, क्योंकि रुक्मण जी और बलराम जी के बीच में थोड़ा मनभेद न हो जाए इसलिए भगवान एकदम शांत रहे कृष्ण। देखो भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान हमको ये भी बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में परिवार में कितना उतार चढ़ाव आता है, इसलिए हमें कैसे कहां पर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए किस प्रकार से हमें चलना चाहिए ये भगवान यहां हमें समझा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समय समय पर भगवान अपनी रानियों के साथ थोड़ा हास्य परिहास्य भी करते थे और ऐसी हंसी मजाक करते थे कि आज कर दी जाए तो पति पत्नी में झगड़ा ही हो जाए, प्रेम सब कहो श्री राधे। जब 10 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गए, तब तो भगवान कह रहे हैं रुक्मण जी को कि अभी भी आपको छुट्टी है मेरी ओर से, अगर दूसरा विवाह करना है तो कर लो, प्रेम से कहो श्री राधे। अयम ही परमो लाभ ग्रहेषु ग्रहभेदिनां। भगवान ने बड़ी हंसी मजाक की है रुक्मण जी का प्रेम, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जैसे व्यक्ति मीठा खाते खाते भी तोड़ता हो जाता है, तो थोड़ा नोक झोंक तो होनी चाहिए, और वो भी मीठी नोक झोंक हो, उसमें अपमान का भाव नहीं होना चाहिए, जिससे और हमारा प्रेम वृद्धि को प्राप्त करे, क्योंकि ग्रहेषु ग्रहभेदिनां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यही गृहस्थ आश्रम का आनंद है, लाभ है। इस प्रकार से भगवान हास्य परिहास्य भी करते थे। एक दिन
श्री बलराम जी महाराज के साथ भगवान विचार विमर्श कर रहे थे, तो उसी समय यदुवंशी बालक जो कि खेल रहे थे, खेली खेल में बच्चों को प्यास लगी तो आए तो क्या देखा, एक सूखा कुआ था। उस कुएं में झांक करके देखा तो एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान को जाकर की प्रार्थना की, भगवान कृष्ण आए और उस गिरगिट को, कृकलास को अपने हाथ का स्पर्श किया। उस गिरगिट ने गिरगिट की योनि छोड़ दी। भगवान ने पूछा कि आप कौन है, तो भगवान को इन्होंने कहा कि महाराज पूर्व जन्म में नर नाम का एक राजा था और आपने कभी गौदानियों की सूची उठा करके तो देखी होगी ना, तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिखा होगा। भगवान को बड़ा आश्चर्य मन में हुआ। भगवान ने कहा कि इतना गौदान आपके द्वारा किया गया और फिर आप इस गिरगिट की योनि में पड़े हैं, क्यों? तो बताया कि पूर्व जन्म में महाराज मैं राजा था और मैं प्रतिदिन गौदान करता था। एक बार किसी अयाचक ब्राह्मण की गौ मेरी गौशाला में आकर के मिल गई और मैंने वही गौ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। लेकर के जब ब्राह्मण जाने लगे तो मार्ग में जिनकी गौ थी वो ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते गौ को आ रहे थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये तो मेरी गौ है, आप कैसे ले जा रहे हैं? तो कहा कि मुझे तो राजा रख दे दी है। बोले हमारी संपत्ति, हमारी गौ दूसरा व्यक्ति कैसे दे देगा। अब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ तो दोनों ही राजा रग के पास गए। तो राजा रग ने कहा कि महाराज मैं इस गौ को दान कर चुका हूं, अब इस गौ के तोल के बराबर आप सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, जो चाहिए ले लीजिए, अब दान की वस्तु को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा क्षमा करें, मैं ब्राह्मण तो हूं लेकिन अयाचक हूं। मेरी गौ मुझे दे दो, अब किसको गौ दी जाए। तो राजा ने किसी ब्राह्मण को गौ नहीं दी और वो संपत्ति ब्राह्मण की अपने पास रख ली और दोनों को मानसिक वेदना भी दी। इस कारण से कालांतर में जब राजा की मृत्यु हुई तो यमलोक में गए। यमराज ने पूछा कि पहले आप अपने पाप कर्म का फल भोगेंगे या पुण्य का। तो राजा ने कहा कि पहले मैं अपने पाप कर्म का फल भोगूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने तो कोई जीवन में पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी यदि कोई मेरे शरीर से पाप बना हो तो आप बताएं। बोले आप नहीं। दो ब्राह्मणों को मानसिक वेदना भी दी और उसके साथ उनकी संपत्ति को भी रखा, मैंने गौ को भी रख लिया। इसके कारण आपको जाना पड़ेगा गिरगिट की योनि में। तो भगवान